अस्सलाम वालेकुम। ऑल्सो यू आर डूइंग वेल। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इनहेरिटेंस जो है जावा के अंदर किस तरह से काम करती है। हमने एक पेरेंट क्लास बनाई पर्सन, इसके अंदर दो मेथड्स क्रिएट किए थे और एक चाइल्ड क्लास जो है उसको इनहेरिट एक्सटेंड किया था पर्सन की क्लास से। देन हमने मेन में जाके इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करके देखा कि ये फंक्शन जो है या मेथड्स किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, इधर एक क्वेश्चन ये है कि देखें, ये हमारे पास पेरेंट क्लास है। अगर पेरेंट क्लास का कोई फंक्शन जो है वो हमें चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस करना पड़ जाए, मतलब चाइल्ड क्लास के किसी मेथड के अंदर हमने इसको एक्सेस करना है। सपोज कि इधर हम एक मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक वॉइड गेट एसटीडी डेटा। ठीक है, स्टूडेंट का डेटा जो है वो गेट करना। अब इस मेथड के अंदर हमने एक मेथड कॉल करना है पेरेंट क्लास का, जो कि है इनपुट पी डेटा। तो अब इस मेथड को किस तरह से हम कॉल करेंगे चाइल्ड क्लास के अंदर, तो उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं विच इज सुपर सुपर डॉट। अब इनपुट पी डेटा का फंक्शन हमने कॉल करना है पेरेंट क्लास का, जो कि फंक्शन है, और इसको एक्सेस किधर करना है चाइल्ड क्लास के अंदर। तो आपने लिखना है सुपर डॉट इनपुट पी डेटा, और इधर जो भी आपने डेटा पास करना है, मतलब जो भी उसके पैरामीटर्स होंगे वो। तो बताने का मकसद ये था कि अगर आपने पेरेंट क्लास का कोई फंक्शन, कोई मेथड जो है वो चाइल्ड क्लास के अंदर कॉल करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, सुपर कीवर्ड जो है ये यूज करेंगे। सुपर लिखेंगे डॉट उस पेरेंट क्लास के फंक्शन का नेम जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, इनटू चाइल्ड क्लास फंक्शन। क्लियर हो गया? तो इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, इससे पहले अगर आपको याद हो तो हम पढ़ चुके हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो आज का कॉन्सेप्ट है मेथड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग में क्या होता है कि आपके पास एक क्लास के अंदर एक नाम के एक से ज्यादा फंक्शंस होते हैं, जिनका नेम क्या होता है सेम होता है और पैरामीटर क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास होता है मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या, इफ वी हैव मोर देन वन फंक्शन विद सेम नेम बट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और पैरामीटर, इट इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। और हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग में क्या होता है, हमारे पास एक नाम के एक से ज्यादा फंक्शंस होते हैं जिनके पैरामीटर भी सेम होता है, नाम भी सेम होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि एक फंक्शन होगा पेरेंट क्लास के अंदर और दूसरा फंक्शन होगा चाइल्ड क्लास के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इसको फिलहाल खत्म करते हैं ओवरराइडिंग को समझने के लिए। एक हम इधर फंक्शन क्रिएट करते हैं, पब्लिक वॉइड शो पी, शो का फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, शो, और इधर हम मैसेज प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएम और शो फंक्शन, बस सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर। अब इधर हमने शो का फंक्शन क्रिएट किया है किस क्लास के अंदर, पर्सन की क्लास में। यही फंक्शन अगर जाके हम क्रिएट करें चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है, स्टूडेंट की क्लास के अंदर, क्योंकि इसको हम पर्सन की क्लास के अंदर जो है वो एक्सेस कर रहे हैं या एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ओवरराइडेड फंक्शन बन जाएगा। क्लियर हो गया? मतलब ये बताने का ये है कि ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर आपके पास सेम नेम सेम टाइप सेम पैरामीटर का फंक्शन पेरेंट क्लास में है और उसी टाइप नेम और पैरामीटर का फंक्शन चाइल्ड क्लास में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है, ऑल्ट और ओवरराइड हम साथ में लिख देते हैं ये शो करने के लिए कि ये फंक्शन क्या है, ओवरराइडेड फंक्शन है। क्लियर हो गया? तो ओवरराइडिंग सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपने माइंड में रखना है कि पेरेंट क्लास के अंदर और चाइल्ड क्लास के अंदर सेम नेम और सेम पैरामीटर के फंक्शंस होंगे, उसको हम बोलते हैं फंक्शन मेथड ओवरराइडिंग। अब क्या करना है, अगर हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको एक्सेस करने की कोशिश करें। अब स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये वाला, अब शो का फंक्शन आपने कॉल करना है, तो सिंपली आप क्या लिखेंगे, स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उमर ऑब्जेक्ट नेम डॉट शो का फंक्शन। ठीक है, शो। अब प्रोग्राम रन करेंगे,
शिफ्ट एफ सिक्स, तो सिंपली शो का फंक्शन जो है वो एक्सेस हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और बात जो प्रीवियसली भी हमने डिस्कस की थी, अगर पेरेंट क्लास का शो का फंक्शन भी आपने कॉल करना है इनटू चाइल्ड क्लास, तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन है आप लिखेंगे सुपर और डॉट और क्या आ जाएगा, शो के फंक्शन का नेम। तो इसका मतलब ये है कि ये पहले कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, पेरेंट क्लास वाला शो का फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है। इधर हम लिख देते हैं पेरेंट क्लास शो फंक्शन, ठीक है। पेरेंट क्लास का शो का फंक्शन एक्सेस करना है तो आपने सुपर कीवर्ड लिखना है डॉट शो। तो अब इधर पेरेंट क्लास का फंक्शन पहले कॉल होगा और उसके बाद चाइल्ड क्लास का फंक्शन जो है वो कॉल होगा। अब दोबारा से प्रोग्राम रन करते हैं, तो देखें सबसे पहले क्या शो हो रहा है, पेरेंट क्लास शो फंक्शन और उसके बाद चाइल्ड क्लास की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो रही है जिसमें हमने लिखा हुआ है शो फंक्शन, ठीक है। तो ये मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग को हम किधर यूज करेंगे, मेथड ओवरराइडिंग को हम पॉलीमॉर्फिज्म में जाके यूज करेंगे। फिलहाल आपने ये याद रखना है ओवरलोडिंग में क्या होता है, सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स इन सेम क्लास ओवरलोडिंग होता है। ओवरराइडिंग में क्या होता है, सेम नेम सेम पैरामीटर बट इन डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। उनका रिलेशनशिप क्या होगा, पेरेंट चाइल्ड का, सुपर मेन क्लास कह सकते हैं, सुपर क्लास कह सकते हैं, ये सब क्लास है, ठीक है। तो इन क्लासेस डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो फंक्शन होगा वो हमारे पास होगा ओवरराइडेड फंक्शन। तो उम्मीद है ओवरराइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अल्लाह।